पशुओं में परजीवी रोग एवं उनके उपचार आप कैसे करेंगे, तो चलिए लेते हैं जानकारी विशेषज्ञ से। जैसे कि पशुधन में अगर हमको उसके क्षमता के अनुसार उत्पादन लेना है, जितना हम नस्ली क्षमता के अनुसार अगर उत्पादन लेना है, तो निश्चित तौर पे हमको परजीवी पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो परजीवी मतलब होता है कि ऐसे प्राणी जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और जिस पर आश्रित रहते हैं उसमें कोई ना कोई स्वास्थ्य पर या आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, तो उस तरह के प्राणियों को हम लोग परजीवी कहते हैं। मतलब भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहें और जिस पर आश्रित हैं उस पर वो अपना मतलब उस पर उसको जानवर को उससे हानि होती है, तो उन सबों को हम लोग परजीवी के नाम पे जानते हैं। तो परजीवी जो है, हमारे पशुओं में जो पाए जाने वाले परजीवी हैं, इन सबों को हम लोग दो भागों में विभक्त करके समझ सकते हैं। जैसे जो परजीवी पशुओं के बाहरी भागों में पाए जाते हैं, जैसे चमड़े में पाए जाते हैं या आसपास के जो शरीर के बाहरी भागों में पाए जाते हैं, उन सबों को हम लोग बाहरी परजीवी एक्सटर्नल पैरासाइट के नाम पर जानते हैं। और कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं, तो उन परजीवियों को हम लोग आंतरिक परजीवी या इंटरनल पैरासाइट्स के नाम पर जानते हैं। दोनों ही प्रकार के परजीवी पशुओं को हानि पहुँचाते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता पर बहुत असर पड़ता है। इसके अलावा कई प्रकार के जो रोग हैं उन सबों को भी एक स्वस्थ पशु तक पहुंचाते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत हानि होती है। जैसे अगर बाहरी परजीवी की बात करें, तो बाहरी परजीवी में मुख्य रूप से जैसे किलनी, जिसको जू या लाइस कहते हैं, जो यहाँ के भाषा में ढीला भी बोलते हैं, चमोकन है, माइट्स हैं, फफुंदी हैं, इस तरह के जो बाहरी परजीवी हैं, ये पशुओं को बहुत ही उसके पशुओं के उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो सर, मैं विशेष करके हम तीनों तरह, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, इस तरह के सभी पशुएं इससे प्रभावित होते हैं बाहरी परजीवी से। और अभी जैसे ठंड का मौसम है, विशेष करके बात करें तो अभी किलनी की संख्या, जो चमोकन की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, साथ साथ जू की संख्या भी बढ़ जाती है, लाइस कह रहे हैं, उनकी भी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे पशुएँ काफ़ी चिड़चिड़े रहते हैं, उनमें कई तरह के रोगों का एक दूसरे जगह पे आदान प्रदान होता है, तो इससे उनकी उत्पादन क्षमता काफ़ी बढ़ती है, मैंने घट जाती है। इन सबों के निदान के लिए आप छोटी छोटी उपाय अगर करें, जैसे पशुओं में अगर ख़ास तौर से आप जू देख पा रहे हैं, जो ढीला के नाम पर समझ रहे हैं, या किलनी देख पा रहे हैं, तो उनको भगाने के लिए तो सबसे पहले बाहर से लगाने वाले दवाइयों का हमको व्यवहार करना चाहिए। जैसे आप मार्केट में कई तरह के ये पे उपलब्ध हैं, कई ब्रांड नेम से भी उपलब्ध हैं, जैसे टैक्टिक, बुटॉक्स, क्लीनर, इस तरह के नाम हैं, उन सबों का दवा का 3 से 4 ml प्रति लीटर का घोल के हिसाब से अगर आप बनाते, पानी में घोल बनाते हैं और पूरे शरीर में उस घोल को लगाते हैं, तो जो बाहर में रहने वाले जो परजीवी हैं ये या तो मर जाते हैं या शरीर छोड़ के भाग जाते हैं। इस तरह के दवाओं का आप उपाय कर सकते हैं। गांव वाले में अक्सर आप देखे होंगे, बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, ग्रामवासी इसको करंज या नीम तेल का भी उपयोग करते हैं, तो करंज तेल के साथ में उसकी जो काम करने की क्षमता है उसको हम बढ़ाने के लिए थोड़ा उसमें कपूर की मात्रा और गंधक को अगर मिला दें थोड़ी मात्रा पर, तो ये काफ़ी अच्छा कारगर रहता है। और जैसे जितना जो खाली केवल नीम तेल या करंज तेल जितना काम करता है, उससे कहीं अधिक कारगर आप इसको पा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं और थोड़ा जैसे ये सभी जो विशेष करके चमोकन, जिसको टिक्स के नाम पे कहते हैं, ये कई घातक बीमारियों के भी एक दूसरे से अलग, एक बीमार जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचाते हैं। जैसे अभी LSD चल रही है, अगर LSD लंपी स्किन डिजीज जो पूरे भारत में काफ़ी कहर ढा रहा है उसकी बात करें, तो ये भी हमारे अधिकतर जो बाहरी परजीवी हैं, जैसे खून चूसने वाले मक्खी या चमोकन, ढील, इन सबों से भी बहुत ज़्यादा मैं ये फैलता है, तो इसके आप सावधान रहें। इसके अलावा जैसे एनाप्लाज्मोसिस, थैलेरिया, बभेसिया, ट्रिपेनोजोमेसिस जैसे घातक बीमारियां जो पशुओं में काफ़ी प्राण घातक होते हैं, उनका मृत्यु दर काफ़ी अधिक होती है, उस तरह के बीमारियों को भी एक बीमार जानवर से स्वस्थ जानवरों तक पहुंचाते हैं।